उत्तराखंड के देहरादून में राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के लिए ई चालान व्यवस्था के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई थी, जिसके बाद संभागीय परिवहन विभाग द्वारा राजधानी में चालान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ARTO अरविंद पांडे ने बताया कि आज से राजधानी में 16 टीमें उतारी गई है, जो इस व्यवस्था का फीडबैक लेने के साथ साथ इस पर कार्य करने की नीति बनाने का काम भी करेगी। वहीं इस व्यवस्था से तुरंत पता चल सकेगा कि अभी तक कितने चालान काटे गए हैं। टाइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। ये भारत सरकार की योजना है और हमारे परिवहन आयुक्त महोदय का आदेश है कि जो भी हमारे सिस्टम चल रहे हैं उनको ऑनलाइन किया जाए, और ऑनलाइन में पब्लिक को सुविधा होगी। जो लोगों को RTO ऑफिस पे चक्कर लगाना पड़ता था, उससे उनको निजात मिलेगी। दूसरा ये है कि हमारे लेवल पे एक्यूरेसी रहेगी, जो हमें अभी पता नहीं चल पाता कि इस ड्राइवर ने या इस गाड़ी ने कितनी बार ऑफेंस किया है, वो हम पता नहीं कर पाते थे। वो ई चलान के माध्यम से, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें तुरंत पता चलेगा कि इस ड्राइवर ने या इस गाड़ी का कितनी बार चलान किया गया। उसी हिसाब से हम उनको, उन पर जो जुर्माने हैं, उन पर जो ऑफेंस लगते हैं, वो लगा पाए। पूरा उत्तराखंड की जितनी टीमें यहाँ पे आई थी, उनको कल प्रशिक्षण दिया गया ई चलान का, और उसके बाद इन्होंने डेमो के लिए, अभी हम पूरे देहरादून में चलान किए जा रहे हैं। अभी 12 बजे इनका फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक लेने के बाद जो भी उसमें ई चलान सॉफ्टवेयर में जो भी और संशोधन की ज़रूरत महसूस होगी, वो संशोधन किए जाएगा।